फ्रेंड्स, मैं हरपाल को यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्जी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची और खट्टी मिठी बनती है। ये रेसिपी बिल्कुल नए तरीके से मैंने बनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करना और बताना कि आप ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चलो आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्जी। 500 ग्राम हमने भिंडी ली, 3 हरी मिर्चें ली हैं, 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और 2 लाल टमाटर लिए। अब हम प्याज को बड़े बड़े मीडियम साइज के टुकड़ों में काटना शुरू करेंगे। तीनों प्याजों को हमने काट लिया है बड़े बड़े मीडियम साइज में। अब हम हरी मिर्च को भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अब हम दोनों टमाटरों को भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। टमाटर को भी हमने काट लिया है। अब हमने भिंडी को अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है। अब हम इसको काटना शुरू करेंगे। इसके पीसीज भी, भिंडी के पीसीज भी उसी तरह करेंगे जिस तरह से हमने प्याज के पीसीज किए हैं, ना बहुत बड़े और ना बहुत छोटे। अगर हम छोटे छोटे पीसों में इसको काटेंगे तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें इनको मीडियम साइज में काटेंगे। अब हमने सभी भिंडी को इक्वल पीसेस में काट लिया है। अब हम जो इसमें मसाले ऐड करेंगे उसमें है नमक, हल्दी, गरम मसाला, दाल में चीनी, जीरा, आमचूर पाउडर, काली मिर्च और धनिया पाउडर। अब हमने गैस को ऑन किया और कढ़ाई को गैस पर रखा। 2 बड़े चम्मच हम मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं। तेल को अच्छी तरह गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पर। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब उसमें एक चुटकी हींग की डाल दो। अब मैं थोड़ा अलग तरीके से भिंडी को तड़का लगा रही हूँ। मैंने थोड़ी अजवाइन 1 चम्मच जड़ा वो तेल में डाल दिया है। अब जो अजवाइन जो अच्छी तरह भुन गई, अब इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देना। जीरा भी अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें दालचीनी के 2 पीसीज जो वो भी डाल दिए हैं। अब इसमें सभी इस भिंडी को तेल में फ्राई करने के लिए डाल देना। अब मैंने इसी में अभी प्याज नहीं डालने, अकेली भिंडी को ही फ्राई करना है। भिंडी को हल्के हल्के थोड़ा हिलाते रहना है ताकि
ताकि वो नीचे की तरह वो ताकि वो नीचे जल ना जाए। अब इसमें मैंने प्याज भी डाल दिए हैं। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, अगर ये ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो इसका मिठास जो है प्याज की वो चली जाती है, इसलिए हमने इसको लो फ्लेम पर गैस की इनको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल लेना, लेकिन मैं अकेली हरी मिर्च ही डाल रही हूँ। अब बीच बीच में भिंडी को चेक करते रहना, अगर आप हाथ से चाहे तो हाथ से भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें दो जो टमाटर काट पीसेस में किए हुए थे वो भी डाल दे रही हूँ और इनको चलाते रहना, हल्के हल्के हाथों से चलाना इसको। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना। अब इसमें हम हल्दी पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, वन एंड हाफ चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच आमचूर पाउडर, आमचूर से इसके इसमें खट्टापन आएगा, और आधा चम्मच मैंने काली मिर्च डाल दी है, पाउडर काली मिर्च का। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, अगर नमक डाल दिया तो इसने भिंडी ने मॉइस्चराइज कर देना है, इसलिए अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे और इसको पकने के लिए गैस पर रख देंगे और साथ साथ हौली हौली चलाते रहेंगे। अब इसको ढक्कन से थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। अब देखें हमारी भिंडी जो है अभी बन रही है, 2 मिनट के लिए हमने ढकना था। देखें हमारी भिंडी जो है अब पककर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम सबसे लास्ट में अब इसमें हम नमक का एक चम्मच डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब अगर आप चाहें तो इसको ढककर भी पका सकते हैं, अगर आप इसे खुला भी छोड़ना चाहें तो खुला भी पका सकते हैं। देखें हमारी भिंडी अब बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे गार्निश का हम करने के लिए इसके ऊपर हरा धनिया जो काट कर रखा था वो डाल देंगे। देखें हमारी भिंडी बनकर तैयार है और इसकी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब आप इसको रोटी और परौंठे के साथ भी खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़न में डालकर दीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।